पहिल सबन को जोहार 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 आज यहां खोटी विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान मुरहू में एकत्रित हुए आप सभी माताएं बहने नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग हमारे गांव के ग्रामीणों और मंच पर उपस्थित महागठबंधन के सभी हमारे क्रांतिकारी साथीगण और महागठबंधन के प्रत्याशी रामसूर मुंडा जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा त्योहार का भी दिन है। आज पूरे देश में छठ पर्व का कार्यक्रम आयोजित है। छठ पर्व के शुभ अवसर पर राज्यवासियों को देशवासियों को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। वैसे सभी लोगों का त्योहार आता है, हमारे हिंदू भाइयों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। हम आदिवासियों का भी कई त्योहारें आती है, हम लोग भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। कुल मिला के कहा जाए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है त्योहारों के बीच में यह चुनाव हो रहा है। दीपावली छठ सोहराय बहाद तरह तरह के त्योहार बीच में है, इसी बीच ये चुनाव हो रहा है और आज इस कारण छुट्टी में भी आज हम लोग आपके बीच में है, क्योंकि इन सबसे बड़ा त्योहार लोकतंत्र का यह महापर्व चुनाव का होता है। त्योहार तो हर साल होता है, लेकिन ये चुनाव का त्योहार 5 साल में एक बार होता है, इसलिए इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा यह त्योहार है। हर मजहब हर जाति धर्म के लिए एक ऐसा त्योहार है, जो इस त्योहार में शामिल नहीं होगा वो व्यक्ति अपने हक अधिकार से छूट जाता है, क्योंकि एक ही वोट में नौजवान वोट करने वाला अपना भविष्य देखता है, बूढ़ा बुजुर्ग अपने बुढ़ापे का लाठी देखता है, महिलाएं अपनी सशक्तिकरण की बात सोचती है, छात्र छात्राएं हमारे अपनी शिक्षा के बारे में, शिक्षक अपने स्कूल के बारे में, व्यापारी अपने व्यापार के बारे में, किसान अपने खेती बाड़ी के बारे में, इसी वोट के माध्यम से अपना अधिकार कैसे उसे मिले इसी वोट के माध्यम से उसको मिलता है, क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से आपके मतों से आपके वोट से आपके मनपसंद लोग कुर्सी में बैठते हैं और कुर्सी से हट भी जाते हैं। अभी वर्तमान सरकार आपके ही आशीर्वाद से आपके वोट के आधार पर आज मूलवासी आदिवासियों की सरकार बनी है और इसका मुखिया के रूप में आज मैं बैठा हूं। वैसे तो 5 साल का कार्यकाल होता है हमारा,
लेकिन ना जाने चुनाव आयोग को क्या समझ आया कि एक डेढ़ महीना पहले ही हमारा चुनाव करा दिया, इस राज्य में चुनाव का घंटी बजा दिया। राज अलग होने के बाद कभी नहीं हुआ था ऐसा। डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार में कभी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार समय से पहले चुनाव हो रहा है। हां, यह बात जरूर है कि चुनाव आयोग को अधिकार है कि 6 महीना पहले ये किसी भी राज्य में चुनाव करा सकता है, लेकिन अधिकार किसी के पास हो तो इसका मतलब थोड़ी ऐसा होता है कि जब मन करे तब कर दे। ऐसा कोई आपदा विपत्ति नहीं था जो राज्य में समय से पहले चुनाव कराया जाए। राज्य में कोरोना जरूर आया था, लेकिन ये तो 2-2.5 साल पहले आया था। उस कोरोना का जंग भी हम लड़ा, उस जंग को जीता भी हम लोगों ने, और जब आज आपके लिए हम काम करने बैठे हैं तो समय से पहले चुनाव करा दिया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग, भारत सरकार की एजेंसियां, आज भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसकी कठपुतली बन के रह गई है। जैसा भारत सरकार भाजपा की सरकार कहती है वैसे ही ये संस्थाएं काम करती है। जहां जैसा मन करो वैसा करो। आज यहां समय से पहले चुनाव करा दिया। अभी चुनाव कराने के लिए जो पुलिस फोर्स अलग अलग राज्यों से मंगाया है चुनाव आयोग ने, वो भी बड़ा विचित्र तरीके के पुलिस सिपाही सब यहां आ गया। अभी कल परसों सिमडेगा में जो पुलिसों को चुनाव कराना है वो पुलिस रात के अंधेरे में अपने कैंप से बाहर निकलते हैं और पूरे शहर में गोलियां चलाते हैं, एक दहशत का माहौल बनाते हैं ताकि हम आदिवासी लोग इनके बंदूक के सामने डर के वोट देने के लिए ना निकल पाए। दूसरे तरफ पूरे राज्य में ईडी सीबीआई का पूरा दहशत मचा हुआ है। यहां छापा मारो, वहां छापा मारो, 50 जगह छापा मारता है तो 20 लाख 50 लाख रुपए इन लोगों को मिलता है। अजीब स्थिति है जब राजनीतिक रूप से ये हम लोगों से नहीं सक पा रहे तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से इस चुनाव में जीत दर्ज करना चाहते हैं। लेकिन खूंटी विधानसभा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, यहां पर बहुत लोग राजनीति करने आते हैं जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी यहां के ताकत को समझ लिया और जाना कि बिना बिरसा मुंडा जी के चरणों में सिर झुकाए झारखंड में पार पाना मुश्किल है। पहली बार विगत 5 सालों में इन लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा के सामने सर झुकाया, लेकिन ये घड़ियाली आंसू आज हमारे आदिवासी भाइयों का, आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का क्या आर्थिक हालात है किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि ये आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक के प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। इनकी जिम्मेवारी है सिर्फ अपने पूंजीपति व्यापारियों को कैसे मदद पहुंचाए और कैसे इस देश में फूट डालो राजनीति करो के फार्मूला को स्थापित करें। और इसीलिए इस चुनाव में इन लोगों ने फिर वही राग लापा है जहां सांप्रदायिक तनाव फैलना प्रारंभ हो जाए। पिछले लोकसभा में भी, अभी कुछ दिन पहले हुए कई राज्यों के विधानसभा में भी कई ऐसे इन लोगों ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली भाषणें और एजेंडे फिट किए।
कभी बोला भैंस चुरा के ले जाएगा, कभी बोला महिलाओं का मंगल सूत्र चुरा ले जाएगा। और आज झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी और माटी हड़पने का बात करता है। ये नालायक लोग क्या बात करेगा रोटी बेटी और माटी के बारे में, जिनको ना रोटी से मतलब, ना बेटी से मतलब, ना माटी से मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, इस राज के खनिज संपदाओं से मतलब है। और इसीलिए एक जाति विशेष व्यक्तियों को, समूह को टारगेट करके एजेंडा फिक्स करते हैं। आज ये क्या बात करेंगे बेटी के बारे में? इनके राज्यों में तो जो लोग बेटियों का रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं, उन लोग को सजा हो जाता है और जेल से छुड़ा करके वोट मांगने के लिए भेजता है। ये लोग क्या बात करेंगे बेटी का? एक उधर आसाम का मुख्यमंत्री यहां मंडरा रहा है 6-7-8 महीना से, और लगातार बांग्लादेशी घुसपैठी का बात बोलता है, रोटी बेटी माटी का बात करता है। मणिपुर, असम, नागालैंड, उधर पहाड़ का 6-7 राज्य मिला करके एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, उसका चेयरमैन भी अगला है। और उससे पूछिए कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ तुम क्या करवा रहे हो, उसके बारे में झारखंड के लोगों को क्यों नहीं बताते? आज तक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहां तक मुंह उठाकर के क्यों नहीं जाके देखा? आज तक एक भी शब्द इन लोगों ने बोला कि किस तरीके से आदिवासी महिलाओं को, बेटियों का इन लोग चीरहरण करते हैं, और यहां आकर के आदिवासियों की हित की बात करते हैं, बेटियों का बात करते हैं, क्या बात करेंगे ये लोग? और यहां आकर के हम लोग के बीच में सांप्रदायिक जहर डालने का काम कर रहा है, रोटी का बात करता है। खूंटी, सिमडेगा, गुमला गवाह है, डबल इंजन की सरकार में 2019 से पहले यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करते मर गया। हम कई लोगों के घर गए थे और उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि अब डबल इंजन को इस राज से हटाना होगा, नहीं तो यहां का आदिवासी मूलवासी नहीं बचेगा। फिर हम लोगों ने जोर लगाया और 2019 में हम लोगों ने सरकार बनाई। और आज देखिए ये लोग 2019 से पहले कितना मॉब लिंचिंग हुआ, कभी बच्चा चोरी के नाम पर, कभी गाय चोरी के नाम पर, लेकिन कहीं कोई अता पता नहीं कि ये घटना कौन करता है। लेकिन जब इस कथा में जाइएगा तो पता चलेगा यही भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग इसके पीछे पड़ा रहता है। अभी देखिए बच्चा चोरी की बात, आदमी चोरी की बात, ये लोग तो विधायक चोरी करता है, सांसद चोरी करता है, जहां वोट नहीं मिलता है विधायक को चुरा करके सरकार बनाने लगता है, बड़ा विचित्र हालत। और माटी का क्या बात करेगा? यहां जितना कोयला खदान है, जितना आयरन ओर का खदान है, जितना बॉक्साइट का खदान है, पूछ लो, जाके पता कर लो वो खदान किसका है। इन्हीं लोगों का, व्यापारी मित्रों का है, और इनका नजर यहां के जल जंगल जमीन पर है, और ये नजर हम आदिवासियों को उजाड़ने का है। यही बगल में छत्तीसगढ़ है, वहां जाके देख लो, अपने व्यापारी मित्रों को हसदेव का जंगल दे दिया है खोदने के लिए, खनिज निकालने के लिए। वहां के आदिवासियों को जंगल से खदेड़ा जा रहा है, जो विरोध करता है उसको नक्सल बोलता है और गोली से भून देता है और जेल में डाल देता है। यही आ रहे, इसी वजह से साथियों हमें मालूम है, हम लोग 2-2.5 साल कोरोना से लड़ता रहा, और जब हम आपके बीच में काम करने लगे तो इन लोगों ने हमें भी जेल में डाल दिया कि ताकि हम आपके लिए काम नहीं कर पाए,
लेकिन इस बीच में भी हम लोगों ने कई ऐसे काम किए, आपके दुख दर्द को समझा, आपके दुखों को कम करने का हम लोगों ने काम किया। आज अलग अलग कार्य योजना के माध्यम से आज आपकी तकलीफ हम जानते हैं। आज के दिन में भी गांव हमारे कितना गरीब है, गांव के लोग कितना गरीब है, और उसके अनुरूप हम आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का कार्य योजना बना चुके हैं। आज का बोझ हमने अपने कंधों में उठाया और इसका पहला उदाहरण आपका लाखों लाखों रुपया बिजली का बकाया को हमने फ्री कर दिया। आज बिजली का बिल फ्री हुआ कि नहीं, और आज बिजली का बिल तो फ्री हो गया, साथ साथ में 200 यूनिट बिजली भी हम आप लोग को फ्री कर दिया है। और हमको पता है इस बात का, इससे पहले घर में जब बिजली का बिल आता था तो महिलाएं अपना गहना बेचती थी और बिजली का बिल देती थी, बच्चा का एडमिशन नहीं देता, स्कूल का फीस नहीं देता था, लेकिन बिजली का बिल भरता था। अगर बिजली का बिल नहीं भरेगा तो जेल चला जाएगा बच्चा। लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इस राज्य में हमारी महिलाएं बहुत मजबूत हैं। ये कोरोना का लड़ाई में हमको तो कई महत्वपूर्ण कई कीमत चुकानी पड़ी। आज इस कोरोना के लड़ाई में हमारे दो दो मंत्री कोरोना के साथ इस धरती से ऊपर चले गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब, भाई जगन्नाथ महतो, इस राज्य की सेवा करते करते बेचारा कोरोना के जंग में वो हार गए, तब जाकर के ये राज्य की जनता बची। और इस लड़ाई में हमारे साथ महिलाओं ने बड़ी मदद हमको की। गरीब राज है, मजदूर राज है, अगर यहां का कई ऐसा मजदूर है कि रोज उसको काम नहीं मिलेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता, उस समय हमारी महिलाएं गांव गांव में दाल भात की योजना चला करके गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करती थी। और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर उनको पैरों पर खड़ा करेंगे। और इस कड़ी में हमने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चालू किया। 18 साल से 50 साल तक की महिलाओं को हम लोगों ने उनके खाते में 1,000 रुपया देना प्रारंभ किया। हम जानना चाहते हैं आपके खाते में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और हम आपको कहना चाहेंगे कि हमने संकल्प लिया है कि हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे और अगले 5 साल के अंदर आप सभी लोगों के, गरीब गुरुआ लोगों के, महिलाओं के खाते में 1,00,000 रुपया पहुंचाने का हम आपको वादा करते हैं। और इसलिए क्योंकि हमको पता है कि आज की गरीबी हमारे घर में कुंडली मार के बैठा हुआ है, उसको लात मार के बाहर भगाएंगे। आप लोग आज के दिन में भी छोटी छोटी जरूरतों के लिए महाजनों से उधार लेते हैं, हम आपको इतना मजबूत करेंगे कि आने वाला समय में किसी महाजन के पास भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। और इसका पहला कदम अभी 1,000 रुपये का तो आप लोगों ने देख लिया, इसका दूसरा कदम हमने सरकार में निर्णय ले लिया है कि दिसंबर से जो 1,000 रुपया आपके खाते में जा रहा है ना, वो बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें, स्कूल का शिक्षा की बात करें, आज हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों की बात करें, सभी लोग 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद
जहां का तहां खड़ा हो गया था। यह हमारे मिशन स्कूलों के शिक्षकों की बहाली नहीं होती थी, सरकार द्वारा उनको जो राशि उपलब्ध होता था वो भी नहीं मिलता था। आज वो सारा जितना भी अड़चने थी सभी अड़चनों को दूर कर सारी चीजें सामान्य होने लगी है। कई ऐसी चीजें जो अगर हम योजनाओं को गिनाना शुरू करें तो बहुत समय लगेगा, और अभी थोड़ी तबीयत भी ढीली है, बहुत लंबा अभी इन षड्यंत्रकारियों के साथ लड़ाई लड़ना है। इसलिए आपके खूंटी विधानसभा में राम सूर्य मुंडा जी को हम लोगों ने खड़ा किया है। ये राम सूर्य मुंडा जी नहीं है बल्कि हेमंत सोरेन है। इसको जिताने का काम कीजिए और सरकार बनाने का काम कीजिए। आज ये समझिए, मेरा दूसरा शरीर का दूसरा हिस्सा है जो आपको हमने सौंपा है, अगर इसको मान सम्मान दीजिएगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन का मान सम्मान बढ़ेगा और इस राज में आबुआ दिशो माबुआ राज फिर से स्थापित होगा और इन षड्यंत्रकारी को बाहर करने का काम करेंगे। कई ऐसी चीजें अभी पूरा राज में गिर्द की तरह यूपी बिहार गुजरात दिल्ली मुंबई छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सब जगह से लोग आएगा, तरह तरह का बात बोलेगा। आज उसको देखा, आज आप उन नेताओं को देखेंगे लेकिन चुनाव के बाद एक भी नेता को दिया लगा के भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। खाने झूठा आश्वासन झूठा राशन देने में ये लोग माहिर है। अभी हम 1,000 रुपया दे रहे हैं तो बोलता है हम 2100 रुपया देगा। हम बोले काहे 2100 रुपया तुम देगा या जरा बताओ, और देगा तो कहां से देगा ये बताओ, अभी तो तुम्हारा सरकार भी नहीं है। खाली खरीदो बेचो यही काम इनका। अभी बोलता है 500 रुपया सिलेंडर देंगे, पूछिए इनका ही सरकार है आसाम में, क्या 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार छत्तीसगढ़ में है, पूछो वहां 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? इसी का सरकार मध्य प्रदेश में है, पूछो 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? उसी का सरकार बिहार में है, पूछो 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? या खाली झूठ बोलता है। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये लोग आज महंगाई आसमान छू रहा है, दाल तेल नमक बच्चा लोग का कलम कॉपी किताब जूता चप्पल सब महंगा, गाड़ी का भाड़ा स्टेशन का भाड़ा ट्रेन का भाड़ा सब महंगा हो गया, लेकिन आमदनी बढ़ने का कोई रास्ता नहीं। और आज इस महंगाई में इस राज्य के गरीबों को हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो ये लोग हमको जेल में डाल देता है। बड़ा विचित्र बात है। अब ये जेल का बदला वोट से देने का काम करना होगा। भगवान बिरसा मुंडा को जो सजा दिया है इनका बदला अब इन लोगों से लेना पड़ेगा। ये लोग यहां आके बोलते हैं हम लोग जंग लड़ेंगे, रोटी बेटी की लड़ाई लड़ेंगे, हमको नहीं चाहिए यूपी बिहार का नेता आसाम का नेता, हमको लड़ने आता है अधिकार लेने आता है राज लेने आता है, अब अधिकार भी केंद्र सरकार से लेंगे। इसलिए हम लोग एकजुट होकर रहे और चुनाव में भारी से भारी मतों के साथ मुंडा जी को जिताने का काम करेंगे। तो इसलिए साथी बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए इन कम शब्दों को अधिक समझिएगा। कुछ लोग हमारे ही बीच के हमारे ही जात बिरादरी के लोग, कोई हो है कोई मुंडा है कोई उराव है कोई संथाल है, इन लोग का एजेंट बन गया है पैसा ले लेकर के हम लोग के बीच में समाज में दरार डालता है, और इसीलिए इन लोगों को एजेंट बना करके बड़े पैमाने में हमारे बीच में घुसा रखा है। इनको पहचानिए, रिश्ता नाता सब निभाएंगे लेकिन वोट नहीं बटने देंगे, ये कसम के साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए साथी
और बहुत ज्यादा नहीं करते हुए आप हमारा खूंटी विधानसभा क्षेत्र विगत डबल इंजन की सरकार में क्या नहीं देखा। सीएमटी एक्ट एसपीटी एक्ट पर कितने लोगों पर देशद्रोही का केस हो गया, पत्थलगड़ी पर कितने लोगों पर देशद्रोही का केस हो गया, यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया। ये अगर हम लोग की सरकार नहीं बनती तो 10-11 हजार हमारे खूंटी के नौजवान, हमारे आदिवासी भाई आज जेल के अंदर में होते। आज हमने सरकार बनाई, हमने पत्थलगड़ी के सभी केसेस वापस किए और सीएनटी एसपीटी के सभी केसेस हम लोगों ने वापस करने का काम किया। यहीं पर क्या मुंडा नाम था, अब्राहम मुंडू, उसका घर गया था, यहीं पर चौराहे में गोली से उड़ा दिया उसको और इसका परिवार को हमने नौकरी देने का काम किया ताकि उसका जीवन यापन हो सके। ये लोग गोली चलाने वाले लोग हैं, ये अधिकार लूटने वाले लोग हैं, इसलिए इन लोगों से हमें हर हाल में बचना होगा और अपने घर परिवार अपने रिश्तेदारों को भी बचा के रखना होगा। इसलिए साथी बहुत बातें हैं, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को हम समाप्त करना चाहेंगे और भी कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार मिदा जोहार।